गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं जो नए जो गाय बच्चा देती है या भैंस का दूध होता है ताज़ा, उसको बनाते हैं। खीस उसको बोलते हैं, हमारे यहाँ तो फट्टा बोलते हैं और कहीं कहीं खीस बोलते हैं। तो आज हम खीस बनाने जा रहे हैं। उसके लिए थोड़ी सी चीनी डालेंगे इसमें और इसको पकाएंगे। धीरे धीरे चलाते हुए पकाना है क्योंकि ये दूध जो है नीचे बहुत जल्दी लग जाता है तले में, इसलिए बराबर चलाना है इसको। और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बहुत ही फायदेमंद भी होता है। और फिर गाय का दूध है तो उसका तो कहना ही क्या, बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे चलाते हुए हम इसे पकाएंगे। अगर आप पास में खड़े हैं तो थोड़ी सी तेज़ कर सकते हैं गैस, नहीं तो फिर बहुत धीरे धीरे लेकिन फिर भी चलाते रहना है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इसका क्योंकि बहुत जल्दी लगता है ये नीचे से। और इसी तरीके से बराबर चलाना है इसको जब तक कि ये फट नहीं जाता है हल्का सा। और कुछ लोग इसको जो है इसका पानी जो होता है बिल्कुल सुखा लेते हैं, लेकिन हम पानी नहीं सुखाएंगे। हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है तो हम पानी नहीं सुखाएंगे इसको, ऐसे ही ये पीने में अच्छा लगता है। और इस तरीके से बराबर चलाते रहेंगे इसको। अगर ज़रा सा चूक हो गई तो समझ लो कि नीचे से लग जाएगा, इसलिए इस तरीके से चलाते रहना। देखो हल्का हल्का सा फटने लगा है दूध। और ये दूध में उबाल आने वाला है और उबाल आने से पहले ही दूध फट जाएगा। ये पहले ही फट जाता है। और 3-4 दिन होता है भैंस का जो है ये फटा वाला दूध, 4-5 दिन होता है, 8 दिन तक होता है 10 दिन, लेकिन गाय का है तो 3-4 दिन होगा अच्छे से। और उसके बाद में सही दूध होने लगता है। इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं होता, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसको बराबर चलाते रहना है। और कुछ लोग देखा है छत्तीसगढ़ टाइप उधर साइड में भगोने में पानी उबालते हैं, उसी में लोटा रख देते हैं, लोटे में वो लोग लोटे में इसको बनाते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट भगोने में, वो लोग डायरेक्ट भगोने में नहीं बनाते हैं, वो ऐसे ही लोटा रख देंगे और वो अपने आप पानी खोलता रहेगा और जैसे जैसे आँच लगेगी ऐसे ऐसे वो फट जाएगा और वो भी उबल जाएगा। लेकिन हम लोग के यहाँ ये डायरेक्ट बना लेते हैं। ये देखिए अभी इसमें उबाल नहीं आया है लेकिन ये फट गया है। और बस इसको आधा मिनट और इसमें उबाल आ जाए बस। अब इसमें हल्का हल्का सा उबाल आने लगा है। अब ये हमारा फट्टा बन के तैयार होगा। इसको कुछ लोग इसको जो पानी इसमें है इसको एकदम सुखा देते हैं तो उसको, लेकिन हम सुखाएंगे नहीं, हमें ऐसे ही अच्छा लगता है, हम लोग ऐसे ही खाते हैं हमारे यहाँ यूपी में, तो इसको ऐसे ही खाएंगे। कोई गुड़ डालता है, कोई चीनी डालता है, लेकिन हमने चीनी इसमें डाल दी है। और इसके बाद में अब ये तैयार हो गया है।
ये देखिए कितना अच्छा, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, इसका सोंधापन बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना, और तब तक के लिए राधे राधे।